सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी से पहले भी बाज़ लोगों ने इससे दावे किए हैं। तो ये क्या वजह है कि सूफिया का ज़िक्र करने के बाद मैं उन्हीं का ज़िक्र कर रहा हूँ? ये दावा तो मुसैलमा ने भी किया था, असद अनसी ने भी किया था, सजा नामी खातून ने भी किया था, और इस तरह के 15-20 और लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि उस दावे में और इस दावे में एक बुनियादी फ़र्क है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। ये तसव्वुफ के पूरे सिलसिले से फूटा हुआ दावा है। वो दावे इस तरह सामने नहीं आए थे। वो देखिए ना, मतलब मुसालमा के दावे को आप देख लीजिए कि एक आदमी देखा कि अच्छा, ये अरब में एक शख्सियत पैदा हुई, उन्होंने नबूवत का दावा किया और अरब मफतू हो गया, तो उसने कुछ लोगों को अपने कबीले के अपने पीछे लगाया। और ज़ाहिर है जहालत थी गिरदोपेश में फैली हुई, बहुत दूर का ये कबीला था, तो उसने उनको अपने पीछे लगाया और नबूवत का दावा कर दिया। यानी उसके पीछे कोई फ़लसफ़ा और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में कर दिया और हुजूर को ख़त लिख दिया। ये पहले मिलने भी आया था, हुजूर को ख़त लिखा कि खुदा ने ज़मीन जो है वो आधी तुम्हें दे दी है, आधी मुझे दे दी है, तो बेहतर है कि इसमें एक अच्छी तकसीम करके मामला चला लें। वो खुदा का पैगंबर तो खुदा का पैगंबर होता है ना। तो आपने जवाब दिया कि भाई ज़मीन खुदा की है ना, मेरी है ना तुम्हारी, यानी ये दुनिया जो है ये मेरे और तुम्हारे अंदर कोई था, तो अपना काम कर रहे हैं। तो उस वक्त आपने कहा कि ख़त लिखा जो जवाब में, तो उसमें आपने उसको मुसैलमतुल कज़्ज़ाब कहा, इसी से उसका नाम ये पड़ गया। यानी ये एक झूठ बोलने वाला आदमी है, तो वो और चीज़ है। यानी वहाँ झूठ बोला जा रहा है, मालूम है ये कि एक आदमी दुनियावी असर और रसूख से हुजूर की कामयाबियों से मुतासर हो बात कर रहा है। यहाँ पूरा पस मंज़र है इसका। ये मिर्ज़ा साहेब तसव्वुफ़ के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते थे। ये तो आप उनकी ज़िंदगी सीरतुल महदी के नाम से उनकी सीरत उनके यहाँ से छपी हुई मौजूद है, उससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है, उसमें कोई शुबा नहीं रहता। लेकिन ये कैसे मामला बढ़ा? एक बुज़ुर्ग हैं हकीम नूरुद्दीन साहेब। हकीम नूरुद्दीन साहेब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहेब कादियानी के पहले खलीफा हुए। वो बुज़ुर्ग हैं कि जिनके मामले में खिलाफत का कोई झगड़ा नहीं पैदा हुआ, सबका इत्तेफाक था, बुज़ुर्ग तरीन लोगों में से। 1885 में इनके साथ मिर्ज़ा साहेब की ख़त व किताबत शुरू हुई। इस वक्त तक अभी सूफियाना मुकाशफात, इल्हामात और इस तरह की चीज़ों ही का हो रहा था। और मिर्ज़ा साहेब अपने आप को मुजद्दिद कहते थे, और ये कहते थे कि ये जो हदीसों में आया है कि हर सदी में एक दीन की तजदीद करने वाला अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है, तो मैं वो हूँ, इस तरह की बात करते थे, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। बहुत से वो मुनादरे कर रहे थे, उससे उनकी शोहरत भी, बहुत से लोग उनकी तहरीरों से भी मुतासर थे, वो अपने ज़माने के लिहाज से अच्छा लिखने वाले थे। अब जो मिर्ज़ा साहेब के मकातीब छपे हैं उनमें पहला ख़त हकीम नूरुद्दीन साहेब के नाम 8 मार्च 1885 का, आप देखेंगे मैं ये क्यों सुना रहा हूँ आपको, आगे वाजे हो जाएगा। अच्छा, ये ख़तों किताबत फिर जारी है, और इस ख़तों किताबत में एक मौका वो आता है कि जिसमें मिर्ज़ा साहब ये बताते हैं कि अब मैं जिस नौइयत की बातें कर रहा हूँ तो इसमें कुछ लोग दबी ज़ुबान से मुझे काफिर कहने लग गए हैं, और उसमें ये इजहार करते हैं कि मुझे लगता है कि जब अब लोग मुझे काफिर कहने लग गए हैं तो अल्लाह ताला मेरे ज़रिए से किसी बड़े अमर को ज़ाहिर करना चाहता है। यानी ये उस वक्त की बात। इस तरह की बातें सूफिया बहुत करते हैं, और इसको भी मुतसव्विफाना बातों ही के ज़ैल में रखा जा सकता है। इसके बाद फिर 1890 में मिर्ज़ा साहेब ने ये बयान करना शुरू किया कि ये जो कुरान की आयत है, हुवल्लज़ी अरसलहु बिलहुदा व दीन अलहक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ये आयत बड़े मसाइल पैदा करती रही है हमेशा। तो ये जो आयत है कुरान मजीद की, इसमें ये ख़बर दी गई है कि रसूलुल्लाह सल्लम के ज़रिए से तमाम दुनिया के अदियान पर, जैसे कि आम तौर पर लोग समझते हैं, जैसे कि सैयद साहब ने भी, सैयद मौदूदी साहब ने भी इसको समझा, इस्लाम का गलबा होगा। तो ये जो गलबा है ये मसीह के ज़रिए से ज़हूर पज़ीर होगा। यानी एक तरफ ये आयत है, और दूसरी जानब कुछ हदीसें हैं कि आखिरी ज़माने में मसीह आएंगे, आसमान से उतरेंगे, और ये ईसा इब्न मरियम ही है जिनका नज़ूल होगा, और फिर महदी के बारे में भी कुछ रवायतें हैं। तो उन्होंने ये बयान करना शुरू किया कि ये ज़हूर है इस पेशीनगोई का जो कहा गया है, ये मेरे ज़रिए से होने वाला है। लिखते हैं,
इब्राहिम अहमदिया में है उनका ये इक्तबास, लेकिन इस आजिज पर जाहिर किया गया है कि ये खाकसार अपनी गुर्बत और इंकसार और तवक्कुल और आयात और अनवार की रूह से मसीह की पहली ज़िंदगी का नमूना है। यानी आम तसव्वुर तो यह था ना कि सैयदना मसीह आसमान से नाजिल हो जाएंगे। अब देखिए इब्तिदा यहाँ से उन्होंने कर कि खाकसार मसीह ज़िंदगी का नमूना है और इस आजिज की और मसीह की फितरत नहायत ही मुतशाबे वाक़ हुई है। गोया एक ही जौहर के दो टुकड़े या एक ही दरख्त के दो फल हैं और इत्तेहाद है कि नज़र कशफी में, कशफ और इल्हाम की नज़र में नहायत ही बारीक इम्तियाज़ है। यानी अगर मेरी हकीकत को मैं कशफ से देखूँ, वो अपने बारे में कहते हैं, और सैयदना मसीह की ज़ात को भी देखा जाए तो कशफ के आलम में दोनों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। यानी ये उन्होंने अब अगला कदम बढ़ाकर ये फरमाया। इसके बाद एक ख़त है जो मयसर नहीं हो सका हकीम नूरुद्दीन साहब का, जिसका जवाब मिर्ज़ा साहब के मकातीब में मौजूद है और ये जवाब है 24 जनवरी 1891 का। ये जवाब जो है ये छपा हुआ मौजूद है। इसमें ख़त के जवाब से ये मालूम होता है कि हकीम नूरुद्दीन साहब ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को मशवरा दिया कि जो आपके मुतसविफाना कमालात हैं और जिस तरह के इल्हामात वगैरह आपको हो रहे हैं, इसके बाद अगर मसीले मसीह कर दिया जाए तो हर्ज नहीं है। यानी ये मशवरा उन्होंने दिया। ये मालूम होता जवाब से नहीं दस्तियाब हो सका, इसलिए कि ज़ाहिर मिर्ज़ा साहब के खतूत तो महफूज हैं लेकिन ख़ुद उनका ख़त मालूम नहीं होता। एक मिर्ज़ा साहब का जो ख़त है, उस ख़त में वो लिखते हैं जो कुछ आम मखदूम ने तहरीर फरमाया है। ये 24 जनवरी 1891 का ख़त है उनका। जो कुछ आम मखदूम ने तहरीर फरमाया है कि अगर दमिश्की हदीस के मिसदाक को अलग छोड़कर, जो कुछ आम मखदूम ने, हकीम नूरुद्दीन साहब को लिख रहे हैं, जो कुछ आम मखदूम ने तहरीर फरमाया है कि अगर दमिश्की हदीस, ये दमिश्की हदीस भी समझ लीजिए, यानी सैयदना मसीह के नज़ूल की जो हदीसें हैं उनमें यह बयान किया गया है कि उनका नज़ूल दमिश्क की मशरकी जानिब की मस्जिद के सफ़ेद मनारे पर होगा, तो मालूम होता है कि उन्होंने मशवरा दिया। तो अब मसला ये है कि ये कादियान में कैसे हो, यानी ज़ाहिर है कि इसके लिहाज से तो ये मसला पैदा हो जाता है ना। तो इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर दमिश्की हदीस के मिसदाक को अलग छोड़ दिया जाए, यानी उसको अलग रखा जाए, होता रहेगा, छोड़कर अलग मसीले मसीह का दावा जाहिर किया जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? ये मेरे सब का खत है। यानी अगर दावा मसीले मसीह का कर दिया जाए, अगर तो वो किया गया तो उसमें जो मसाइल हैं उधर जेरे बहस आए होंगे ना बाहमी खतों किताबत में, उनको कहते हैं अगर अलग करके ये आया है, यानी ये वो कहते हैं कि आपने मुझे मशवरा दिया है, आपने ये कहा है कि दमिश्की हदीस के मिसदाक छोड़कर मसीले मसीह का दावा जाहिर किया जाए, तो इसमें क्या हरज है? ये मिर्ज़ा साहब ने उनके ख़त का इकतबास नकल किया है, यानी उसको पहले नकल किया है, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं दर हकीकत, अभी सूरत हाल ये है, दर हकीकत इस आजिज़ को, यानी उन्होंने मशवरा दिया कि आप ये दावा तो नहीं कर सकते कि मसीह नाज़िल हो गए आसमान से, तो मसीले मसीह, मसीह जैसा होने का दावा करने में क्या हरज है? ये उन्होंने मशवरा दिया। जवाब में मेरे साहब कहते हैं दर हकीकत इस आजिज़ को मसीले मसीह बनने दित नहीं, इतना चाहता है कि खुदा ताला अपने आज ही बंदों में दाखिल कर लेवे। यानी बड़ा अच्छा जवाब है, ये बनना चाहता है कि यानी मैं मसीले मसीह बनना क्या, मैं तो ये बनना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला अपने आजिज़ और मुती बंदों में शुमार कर ले, लेकिन हम इब्तला से किसी तरह भाग नहीं सकते, यानी खुदा की आजमाइश से फरार नहीं हो सकते। खुदा तरक्यात का जरिया सिर्फ इब्तला को रखा, जैसा कि वो फरमाता है आ हसबन नासन युतरकुन यकूलु आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोगों ने गुमान कर रखा है कि वो ईमान का दावा करके रह जाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे। मेरे साहब ने बात यहाँ ख़त्म कर दी, यानी ये बात कह के उन्होंने उस ख़त पर मज़ीद कोई तबसरा नहीं किया। इसके बाद यानी यहाँ तो उन्होंने फरमाया ना कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस, लेकिन खुदा की कोई आजमाइश आ सकती है, यानी उसमें गोया ये बात मुजमर थी कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये दावा करने के लिए कहा जाता है तो फिर ये एक आजमाइश होगी और आजमाइश में बहरहाल बंदे को पूरा उतरना चाहिए। अब उन्होंने ये दावा कर दिया यानी कुछ अरसे के बाद।
और ये भी 1891 में हुआ है, यानी मालूम होता है कि ख़त और इसके कुछ अरसे के बाद, ये ख़त में तो तारीख पड़ी हुई है तो हमें मालूम है कि 24 मई का है, लेकिन किताब भी उसी ज़माने की छपी हुई है। फम ये उनकी पहली तसनीफ़ है, तो इसमें उन्होंने ये दावा किया, लिखते हैं अगर तुम ईमानदार हो तो शुक्र करो और शुक्र के सजदात बजा लाओ कि वो ज़माना जिसका इंतजार करते करते तुम्हारे बुजुर्ग आबा गुजर गए और बेशुमार रूहें उसके शौक ही में सफ़र कर गईं, वो वक्त तुमने पा लिया। ये लोगों को मुखातब कर कह रहे हैं, अब इसकी कदर करना या ना करना और इससे फ़ायदा उठाना या ना उठाना तुम्हारे हाथ में है। मैं इसको बार बार बयान करूँगा और इसके इजहार से मैं रुक नहीं सकता कि मैं वही हूँ जो वक्त पर इस्लाह खल्क के लिए भेजा गया ता दीन को ताज़ा तौर पर दिलों में कायम कर दिया जाए। मैं उसी तरह भेजा गया हूँ जिस तरह वो शख्स बाद कलीमुल्ला मर्द खुदा के भेजा गया था जिसकी रूह हिरोदीस के अहद हुकूमत में बहुत तकलीफ़ों के बाद आसमान पर उठाई गई, यानी सैयदना मसीह। सो जब दूसरा कलीमुल्ला जो हकीकत में सबसे पहला और सैयदुल अंबिया है दूसरे फिरौनों की सरकोबी के लिए आया जिसके हक में है कि इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन, तो उसको भी जो अपनी कार्रवाइयों में कलीमे अव्वल का मसील रुतबे में उससे बुजुर्ग था, एक मसीरुल मसीह का वादा दिया गया। अब वो इशारा कर रहे हैं कि वो जो हदीसों में मसीह के नाजिल होने का दावा है वो असल में था ही मसीले मसीह का दावा। पहले था ना कि दमिश्की हदीस के मिसदाक को अलग कर दें और मसीले मसीह की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि इस हाजिज को कुछ हाजत नहीं। अब वो कहते हैं कि वो असल में वो था ही मसीले मसीह का दावा, और वो मसीलुल मसीह कुव्वत और तबा और खासियत मसीह इब्न मरियम की पाकर उसी ज़माने के मानिंद और उसी मुद्दत के करीब करीब इमे अव्वल के ज़माने से मसीह इब्न मरियम के ज़माने तक थी, यानी 14वीं सदी में आसमान से उतरना, और वो उतरना रूहानी तौर पर हुआ। वो होता ना कि उतरेगा, तो उन्होंने कहा कि वो उतरना जो था वो भी रूहानी तौर पर होना था, लिहाजा वो हो गया। और सब बातों में उसी ज़माने के हम शक्ल ज़माने में उतरा जो मसीह इब्न मरियम के उतरने का ज़माना था, ता समझने वालों के लिए निशान हो। इसके बाद जाहिर है कि वो सूरत हाल थी ना कि दमिश्क के मनारे पर जिस मसीह मौद ने उतरना है उसको अलग कर दिया जाए, यानी उसको न और एक मसीले मसीह होने का। अब उन्होंने जब ये कहा कि नहीं वो उससे मुराद भी यही था, तो अब जाहिर है कि ये मसला पैदा हुआ कि फिर हदीसों के अंदर जो बातें कही गई हैं उनकी क्या तशरीह होगी। मसीह के नज़ूल को तो कह दिया गया कि उससे मुराद इबन मरियम या मसीह इबन मरियम का दोबारा नज़ूल नहीं बल्कि उनकी सिफात की हामिल एक शख्सियत का पैदा होना है, तो पहली बात तो इस्तियारे के रंग में हो गई। अब उसके बाद ये था कि उन्होंने फिर हतीम साहब ने मतवज्जे किया कि ये जो आपने आगे कर दिया है, यानी पहले तो ना दमिश्की हदीस के मिसदाक को अलग रखा जाए, तो अब जब आपने इसको एक कर दिया है तो ये एक करने से जो पेचीदगी पैदा हो जाएगी कि दमिश्क के मनारे में आना है ना, तो दमिश्क का क्या मसला होगा, दमिश्क तो शहर है ना एक शाम का, तो उसको क्या करेंगे। अच्छा, अब बाद मिर्ज़ा साहब इज़ाला या हाम अपनी किताब में लिखते हैं कि ये आजिज़ भी इस बात की तफ्तीश की तरफ मतवज्जे नहीं हुआ कि वो मानी क्या है कि इसी असना में, यानी कहते हैं कि मुझे तवज्जो नहीं हुई थी, मैंने ये बात तो कह दी लेकिन मुझे ये तवज्जो नहीं हुई थी अभी कि ये दमिश्क का क्या बनेगा। तो ये आजिज़ अभी इस जानब मतवज्जे नहीं हुआ था कि इसी असना में मेरे एक दोस्त और मुहिब मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब इस जगह कादियान में तशरीफ़ लाए। पहले तो ख़त लिखा था उन्होंने, अब वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने इस बात खास की कि जो मुस्लिम की हदीस में लफ्ज़ दमिश्क और नीज़ और चंद ऐसे मुजमल अल्फाज हैं इनके इंकशाफ के लिए जनाब इलाही में तवज्जो की जाए। यानी अब जबकि आपने कहा है कि आप मसीले मसीह हैं तो फिर आप ज़रा मतवज्जे हों अल्लाह ताला की तरफ कि ये भी बताया जाए कि ये क्या है सूरत। कहते हैं चूँकि इन दिनों मेरी तबीयत अलील और दिमाग नाकाबिले जद्दोजहद था इसलिए मैं इन तमाम मकासद की तरफ तवज्जो करने से मजबूर रहा। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करने से एक लफ्ज़ की यानी दमिश्क के लफ्ज़ की हकीकत मेरे ऊपर खुल गई। यानी उन्होंने कहा कि मैं चूँकि बीमार था, तबीयत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं पूरी तरह तो उस हदीस के बारे में जनाब इलाही में मतवज्जे नहीं हो सका, लेकिन एक बात इन दिनों उनके तवज्जो दिलाने पर जब मैंने तवज्जो की तो खुल गई। वो क्या खुली, बस वाज़े हो कि दमिश्क के लफ्ज़ की तावील में मेरे ऊपर मिन जानबिल्ला ये जाहिर किया गया है कि इस जगह ऐसे कस्बे का नाम रखा गया है। यानी इस रवायत में चूँकि मसीह को नहीं नाजिल होना, मसीले मसीह को आना है,
तो जो दमिश्क है तो असल में उससे मुराद शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क नहीं है, बल्कि एक ऐसे कस्बे का नाम इस्तियारे के तौर पर दमिश्क रखा गया है जिसमें ऐसे लोग रहते हों जो यजीदियो तबा और यजीद पलीद की आदात और ख्यालात के पैरों हैं। क्योंकि दमिश्क में यजीद की हुकूमत कायम हुई थी, जिनके दिलों में अल्लाह और रसूल की कुछ मोहब्बत और अहकाम इलाही की कुछ अजमत नहीं, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना मामूल बना रखा है और अपने नफ्स अम्मारा के हुक्मों के ऐसे मुती हैं कि मुकद्दसों और पाकों का खून भी उनकी नज़र में सहल और आसान है और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और खुदा ताला का मौजूद होना उनकी निगाह में एक पेचीदा मसला है जो उन्हें समझ में नहीं आता, और क्योंकि तबीब को बीमारों की तरफ आना चाहिए इसलिए ज़रूर था कि मसीह ऐसे ही लोगों में नाजिल हो। बस मसीह का दमिश्क में उतरना साफ दलालत करता है कि कोई मसील मसीह जो हुसैन से भी हुसैन वो मुकाबला हुआ ना यजीद का, बवजह मुशाहबत इन दोनों बुजुर्गों की मुवासलत रखता है, यजीदियों की तंबी और मुलजम करने के लिए जो मसील यहूद हैं उतरे। दमिश्क का लफ्ज महज इस्तियारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तब उसने मुझसे कहा कि ये लोग यजीदियों तबा हैं और ये कस्बा कादियान, यानी वो इल्हाम करने वाले हातिफ ने, और ये कस्बा कादियान दमिश्क के मुशाबे हैं। यानी ये मसला उन्होंने इस तरह हल किया कि असल में दमिश्क जो है इससे मुराद शाम का दमिश्क नहीं है, बल्कि इससे मुराद एक ऐसा कस्बा है जिसमें यजीदी तबीयत के लोग पाए जाते हैं, और वो ये कादियान है। एक मसला इस तरह हल हुआ। उसके बाद एक अगला मसला उन रवायतों में था, वो मसला ये था कि मसीह के नज़ूल की रवायतों में ये बयान हुआ है कि वो दमिश्क के मशरक़ की जानिब, जब एक मशरक़ की जानिब की मस्जिद के सफ़ेद मनारे पर उतरेंगे तो उन्होंने दो जर्द चादरें ओढ़ी हुई होंगी। अब दो जर्द चादरें अगला मसला है, उसका जवाब उन्होंने दिया है, और ये जवाब जो है ये भी एक खुतबा इल्हामिया है उनका, उसमें मनारतुल मसीह के लिए चंदा भी मांगा गया था, उसमें उन्होंने दिया। कहते हैं कि मैं मुल मर्ज़ आदमी हूँ, और वो दो जर्द चादरें जिनके बारे में हदीसों में जिक्र है कि इनमें मसीह नाजिल होगा, वो जर्द चादरें मेरे शामिल हाल हैं, यानी वो मेरी हालत में मौजूद हैं अगरचे मैं पहन के नहीं आया उनको, जिनकी ताबीर इल्मुर रोया की रूह से, ख्वाबों का इल्म जो है कि रूह से दो बीमारियां हैं। ये ताबीरों की किताबें आप देखें ना, तो उसमें चादर ओढ़े हुए तो उसको बीमारी से ताबीर किया जाता है, तो उन्होंने इससे उसको समझा, दो बीमारियां हैं। सो एक चादर मेरे ऊपर के हिस्से में है, वो क्या है, मुझे हमेशा सर दर्द और दौराने सर और कमी ख्वाब और तशन्नुद दिल की बीमारी दौरे के साथ आती रहती है। यानी एक जर्द चादर जो है वो ये है, और दूसरी चादर जो मेरे नीचे के हिस्से बदन में है वो ज़ियाबेतस की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कि एक मुद्दत से दामनगीर है और बसा औकात 100-100 दफ़ा रात को या दिन को पेशाब आता है, और इस कदर कसरत पेशाब से जिस कदर आवारे जोफ के हो सकते हैं वो सब मेरे शामिल हाल रहते हैं, तो मैं पूरी तरह दो जर्द चादरें ओढ़े हुए हूँ। ये उन्होंने इसकी तावील की। अच्छा, अब दमिश्क ने बता दिया, दो जर्द चादरों के बारे में बता दिया, अगला मसला ये था कि वो सफ़ेद मनारा उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये सफ़ेद मनारा जो है ये तो बाकी सब तमसीलात मुकम्मल हो गई, तो 1900 में उन्होंने एक इश्तहार छापा और उसमें कहा कि सफ़ेद मनारा मैं खुद बना देता हूँ। चुनाचे 1902 में उसका संगे बुनियाद रखा गया और ये मनारतुल मसीह के नाम से इस वक्त कादियान में मौजूद है, यानी वो उन्होंने खुद तामीर कर दिया ताकि मज़ीद इस्तारे जो हैं उनकी ज़रूरत ना रहे, एक चीज़ कम से कम हकीकी तौर पर वजूद पज़ीर हो जाए। अच्छा जनाब, ये मसला, इस मसले के बाद अब देखिए कि वो अब नबूवत का दावा किस तरीके से करते हैं। यानी अब तक तो सूरत हाल ये थी कि एक मसीह की सिफात वाला मसील मसीह आ गया है, और मुसलमान या दूसरे लोग जिस मऊद का मसीह मऊद, यानी जिस मसीह के आने का वादा किया गया था नज़ूल ईसा इब्न मरियम की जो रवायात हैं और इंतज़ार कर रहे थे, उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो एक मसीह के सिफात रखने वाले को आना था। तो ये जब उन्होंने फिर आज से आगे बढ़कर ये दावा किया, मैं इसकी कुछ तफसीलात हैं, मतलब फिर क्या हुआ, कुछ असल में मसाइल पैदा कर दिए लोगों ने, और उन मसाइल के बाद बतदरीज बात आगे बढ़ी।
तो फिर उन्होंने दावा किया। ये जो दावा है ये मिर्जा साहब ने 1902 में एक रिसाला लिखा था तोहफतुल नदवा के नाम से। इसमें उन्होंने नदवतुल उलमा जो है हिंदुस्तान में लखनऊ में उसकी मजलिस के उलमा को मुखातब किया था और उनका उस वक्त एक इजलास हो रहा था अमृतसर में। उसमें मिर्जा साहब ने लिखा, बस जैसा कि मैंने बार बार बयान कर दिया कि ये कलाम जो मैं सुनाता हूँ, यानी जो मैं लोगों को अपना कलाम सुनाता हूँ, ये कतई और यकीनी तौर पर खुदा का कलाम है, जैसा कि कुरान और तौरात खुदा का कलाम है, और मैं खुदा का जिल्ली और बरूजी तौर पर नबी हूँ, और हर एक मुसलमान को दीनी उमूर में मेरी इताअत वाजिब है, और हर एक जिसको मेरी तबलीग पहुँच गई है गो वो मुसलमान है, मगर मुझे अपना हकम नहीं ठहराता और ना मुझे मसीह मऊद मानता है और ना मेरी वही को खुदा की तरफ से जानता है, वो आसमान पर काबिल मुआखजा है, क्योंकि जिस अमर को उसने अपने वक्त पर कबूल करना था रद्द कर दिया। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं अगर झूठा होता तो हलाक किया जाता, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि मूसा और ईसा और दाऊद और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मैं सच्चा हूँ, और मेरी तस्दीक के लिए खुदा हज़ार से ज़्यादा निशानियाँ दिखाई हैं, कुरान ने मेरी गवाही दी है, पहले नबियों ने मेरे आने का ज़माना मुतय्यन कर दिया है जो कि यही ज़माना है, और कुरान भी मेरे आने का ज़माना मुतय्यन करता है यही ज़माना है, और मेरे लिए आसमान ने भी गवाही दी है और ज़मीन ने भी, और कोई मेरे लिए गवाही नहीं दे चुका। गरज इस हिस्सा एक कसीर वही इलाही और अमूर गैबिया में इस उम्मत से मैं ही एक फ़र्द मखसूस हूँ, और जिस कदर मुझसे पहले अलिया और अब्दाल और अकताब इस उम्मत में गुजरे, यही तसव्वुफ़ के मशहूर असमा हैं, गुजर चुके हैं, उनको ये हिस्सा एक कसीर इस नेमत का नहीं दिया गया। बस इस वजह से नबी का नाम पाने के लिए मैं ही मखसूस किया गया हूँ और दूसरे तमाम लोग इस नाम के एक नहीं हैं। इसमें जिल्ली और बरूजी नबी की उन्होंने बात की, और जब लोगों ने ज़रा मुआवजा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ, जिस ज़ात का मैं दावा कर रहा हूँ उसी का नाम आसमान पर मोहम्मद और अहमद है, इसके माने ये है कि मोहम्मद की नबूवत अहमद ही को ही मगर बरूजी तौर पर मगर ना किसी और को। अब ये देखिए वो तसव्वुफ़ की जो मखसूस ताबीर है वो नुमाया होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद इसको मजीद नुमाया किया मिर्ज़ा साहिब ने दूसरे उस पहलू से जिसको मैंने अभी बताया था। अच्छा, वो चीज़ें भी उन्होंने बार बार बयान करना शुरू कर दी कि अब जो लोग मुझे नहीं मानते उनके साथ क्या मामला होगा और किस तरीके से वो अहले किताब के मुशाबा करार पाएंगे, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें उनके यहाँ होनी शुरू हो गई। तरयाकुल कुलूब में वो लिखते हैं, गरज जैसा कि सूफियों के नज़दीक माना गया है, अब ये देखिए आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये महज ताबीर नहीं है मेरी, गरज जैसा कि सूफियों के नज़दीक माना गया है कि मरातब वजूद दौरिया हैं, इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी खूह और तबीयत और दिली मुशाबियत के लिहाज से करीबन 2500 बरस अपनी वफात के बाद फिर अब्दुल्ला पिसरे अब्दुल मुतलब के घर में जन्म लिया और मोहम्मद के नाम से पुकारा गया। यानी ये वही बात है। इसी जगह ये नुक्ता भी याद रखने के लायक है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत भी इस्लाम के अंदरूनी मफासद के गलबे के वक्त हमेशा ज़हूर फरमाती रहती है, और हकीकत मोहम्मदिया का हुलूल किसी कामिल मुतबे में जलवागर होता है, और जो हदीस में आया है कि महदी पैदा होगा उसका नाम मेरा ही नाम होगा, उसका खुल्क मेरा ही खुल्क होगा, अगर ये हदीसें सही हैं तो इसी नज़ूल रूहानियत की तरफ इशारा है। यानी ये गोया दूसरी ताबीर भी जो मैंने आपसे अर्ज़ की उसको उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। तो ये मिर्ज़ा साहब का दावा है। अब इसमें ये सवाल पैदा हो गया था पिछली दफ़ा कि अगरचे ये बात तो वही है यानी जो सूफिया कहते चले आए हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वो माफ़ कर दिए गए और इनके मामले में इतनी सख्ती इख्तियार की गई। तो उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं है कि जैसे जैसे बात बढ़ती चली गई तो एक तो सूफिया अपनी इस तरह की सब बातों को अवाम में नहीं बयान करते, यानी वो उसको खवास तक महदूद रखते हैं, बल्कि उन्होंने तो इस मामले में बड़ी हिकमत से काम लिया कि दर्जात मुकरर कर दिए। उन्होंने कहा कि एक दीन अवाम के लिए है वो वही ठीक है, एक खवास का दीन है, फिर एक अखसुल दीन है, तो आम तौर पर वो अखसुल खवास ही के लिए इस तरह की चीज़ों को बयान करते थे, यानी इसकी अमूमी दावत नहीं देते थे। उनके यहाँ
जब अनल हक का नारा मंसूर ने लगाया, तो मंसूर के नारा लगाने को उन्होंने गलत करार दिया। और गलत किस पहलू से करार दिया? इस पहलू नहीं कि नारा गलत है, इस पहलू से गलत करार दिया कि यह असल में सिर हक था, हक का भेद था, जो इसने सरेआम इफ्शा कर दिया। ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुनाचे वो उनके साथ वैसी अकीदत रखते हैं। शेख उजवैरी की किताब जो कशफुल माजूब, उसमें मंसूर का जिक्र आप जब पढ़ें तो बड़ी अकीदत के साथ वो उसका जिक्र करते हैं इस मामले में। यानी सिर्फ इतना उन्होंने गुनाह कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि बैने ही यही जुर्म मिर्ज़ा साहब से हुआ। यानी एक तो उन्होंने वो जो सिर हक था उसको अवाम में दिया, और फिर अवाम में जाहिर किया तो चूँकि मुनाजराना पस मंज़र रखते थे, लोगों को दावत दी, और फिर न मानने वालों के बारे में कुछ सख्त ज़ुबान भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनकी तकफीर कर दी, और ये कहा कि आप जो मेरा इनकार है उनका ये होगा और वो होगा और वो जहन्नम में जाएंगे और वो काबिल मुआख़ज़ा हैं, इसका रद्दअमल होना शुरू हो गया। और फिर वो रद्दअमल बतदरीज उन नतायज तक पहुँचा जो नतायज अब आपने देखे हैं। वरना उनकी इबारतों की हद तक, जैसे मैं किया, ज़िल्ली और बरूजी की भी तावील की जा सकती है उसी सूफियाना पस मंज़र में। हकीकत मोहम्मदिया से उन्होंने खुद उसकी तावील कर दी है, सारी बातें वहाँ बिठाई जा सकती हैं। लेकिन ये जो दूसरा पहलू आया कि अवाम के लिए बयान कर दिया, अवामी इस्तलाहात में बयान कर दिया, इसको आप एक दूसरे पहलू से समझिए। यानी देवबंद के उलमा वो सारी बातें तसव्वुफ के नाम पर मानते हैं, वो सारी बातें जिनमें से शायद ही कोई माखज कुरान और सुन्नत में साबित करना मुमकिन हो, लेकिन वो अवाम को जब दीन बताते हैं तो अदना से अदना बिदत के ऊपर भी तंबीह करते हैं, तो कोई उनको बिदतों का इर्तकाब करने वाला नहीं कहता। उसी पस मंज़र में बरेलवी नुक्ता नज़र के उलमा जब दीन बयान करते हैं तो चूंकि वो उसको अवाम में ले आते हैं, तो आप देखिए कि फिर वो मुब्तदीन करार पाते हैं उनके नज़दीक भी और उनके नज़दीक भी। इसकी आपने हकीकत देखनी हो तो जो एक मशहूर सिलसिला राशिदुल कादरी साहब के कलम से निकला था, उन्होंने एक किताब लिखी थी जलजला के उनवान से, तो जलजला में उन्होंने देवबंदी जो उलमा थे उनके बारे में बताया कि ये जो कुछ आप हमें कहते हैं खवास की हद तक तो ये सब आप अपने, यानी हमें तो कहते हैं कि हुजूर को इल्मे गायब नहीं है, तो आपके तो मामूली से मामूली आदमी को इल्मे गायब क्या, और भी बहुत कुछ हासिल है जो मैं आपको सुना चुका हूँ। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें जलजला में कट, बड़ी अच्छी किताब है। उसके जवाब में फिर देवबंदी ने लिखी धमाका। तो ये भी बस बियात की एक दुनिया है, मालूम नहीं आप इससे वाकिफ हैं। ये दोनों किताबें मिलती हैं, और कभी तफरी का आप करो सफ़र में तो आप लुत्फ़ उठाएंगे, दोनों ले लें और उनको पढ़ें। हमारे यहाँ ये मुस्तनद शेख हैं इस मामले में, यानी अगर आपको इस तरह की ज़रूरत हो तो इनसे रजू करें, इनकी लाइब्रेरी में आपको ऐसी हर चीज़ मिल जाएगी। इतनी तो ये गोया यूँ समझ लीजिए कि इसके सिवा कुछ नहीं है। यानी फ़र्क सिर्फ ये है कि खवास की बात अवाम में अवामी ताबीरात के मुताबिक कह दी गई, बात तो पहले भी कही जा रही थी, खवास की बात अवाम में ताबीरात के साथ कह दी गई, और फिर उसके बाद दुरुस्त हुई इख्तियार करके। यानी सूफी तो कभी कहेगा ही नहीं किसी आदमी को, वो खवास तक अपने, वो कहेगा तुम्हारे अंदर अगर ज़ौक होगा ज़र्फ होगा तो पहचान लोगे मुझे। लेकिन जब आप मनवाना चाहते हैं और दूसरों की तकफीर करते हैं, उनको मुसलमानों की जमात से अलग करते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका एक रद्दअमल हो गया। और उस रद्दअमल में फिर आगे ये भी बहुत अच्छी किताब है, इसमें जो इक्तबासात हैं एहतियात से, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब की जो कादियानियत पर किताब है। यानी उन्होंने उस तरह की कोई बात नहीं की जो हमारे आम तौर, वो खुद एक बहुत शरीफुल नफ्स आलिम थे, बहुत मुस्तनद लोगों में से थे, और नहायत मेहनत के साथ उन्होंने सारी अहम चीज़ें जमा की हैं। इसमें आप पूरी तफसील देख सकते हैं इनकी जितनी भी है, और उसमें किसी हवाले में किसी चीज़ में कोई अदना दर्जे का भी इनहराफ या कोई ताबीर में मसला नहीं उन्होंने पैदा किया, अंदाज़ा कर सकते। ये गोया पस मंज़र है। इस पस मंज़र के बाद अब हम उस इबारत पर आएँ कि फिर जब ये सब कुछ सूफी भी कहते हैं और ये लोग भी कहते हैं, तो ख़त्म की आयत का क्या बनेगा? कि कुरान मजीद तो ये कहता ना कि हुजूर खातम नबीन है, तो इसका क्या होगा? तो इस पर हम अगली नशस्त में अब जायज़ा लेते हैं। अकूलो कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह। सवाल कर लें क्या?